नमस्कार दोस्तों, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 4 मिनट 32 सेकंड में मैंने आपको बाइक चलाना सिखाया था और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि एक बार बाइक चलना शुरू हो गई वो तो ठीक है, पर उसके बाद गियर शिफ्टिंग किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट प्रॉपर गियर शिफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थी, क्लच दबा के पहला गियर डालिए, उसके बाद थोड़ी सी रेस दीजिए, क्लच धीरे धीरे छोड़िए और जब तक बाइक चलना शुरू नहीं हो जाती तब तक क्लच को पकड़ के रखिए और जब बाइक चलना शुरू हो जाए तब क्लच पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। ये बेसिक सिखाया था मैंने 4.5 मिनट में। बट अब आती है बात कि अब जैसे हम फर्स्ट गियर पे हैं, अब बाइक चलना शुरू हो गई है, अभी हमारा फर्स्ट गियर है, अब फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड आ चुकी है, इसके बाद हम और रेव करेंगे तो इंजन में नुकसान होगा। अब उसके बाद हमें वापस से क्लच दबाना है, दूसरा गियर डालना है, उस वक्त फिर से थोड़ी सी रेस देनी है, क्लच जितनी धीरे धीरे हमने फर्स्ट गियर से चालू करने में छोड़ा था उतनी धीरे नहीं छोड़ना, बट थोड़ा सा आपको क्लच छोड़ना है, होल्ड रखना है। फिर जब बाकी बाइक फिर से मान लीजिए कि सेकंड गियर की स्पीड है 20 से 40 के बीच की और वो 25 पे आ जाती है कि आपको पता चल गया कि अब सेकंड गियर की जो स्पीड है वो इनिशिएट हो गई है, तब आप क्लच छोड़ दीजिए और अपना रेस दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड गियर की है, तो हमारे पास फुल स्पीड हो चुकी है 40, क्लच दबाइए, गियर बदलिए, रेस दीजिए, अभी थर्ड गियर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, उस पर क्लच पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, फोर्थ गियर थोड़ी सी रेस छोड़ दीजिए। अब ये हुई गियर बढ़ाने की बात, अब गियर कम भी करने पड़ते हैं क्योंकि ऐसी किस्मत वाली सड़कें दिल्ली में मिलती कम है। तो अब आपने मान लीजिए फोर्थ गियर में हम स्पीड ब्रेकर आया सामने, हमने ब्रेक दबाई, अभी हमने क्लच नहीं दबाया, अब हमने क्लच दबाया, अब हमें पता है कि हमारी स्पीड थर्ड गियर वाली भी नहीं है ना फोर्थ गियर वाली, हमने करी सेकंड गियर, फिर से थोड़ी सी रेस दी, क्लच पे होल्ड रखा, हमें पता है कि अब वापस से सेकंड गियर वाली स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, फिर क्लच छोड़ा और रेस दे दी, फिर थर्ड गियर और आगे स्पीड। अब बात आती है, आप मान लीजिए फिर से हम फोर्थ गियर से थर्ड पर, थर्ड से सेकेंड में जाते हैं, तो अब हमारा फोर्थ गियर चल रहा है, अब हमें पता है कि हमें सीधा न्यूट्रल करना है, तो आप ब्रेक दबाइए और दोनों ब्रेक हमेशा कॉम्बिनेशन में ही दबनी चाहिए, कोई भी एक ब्रेक मत दबाइए। अब फोर्थ गियर से रेंज आ गई है थर्ड गियर की, पर मैंने क्लच नहीं दबाया, अब रेंज आ जाएगी यहाँ पर सेकंड गियर की, बाइक झटके मारना शुरू हो जाएगी, पर जब आपको पता है कि आपकी बाइक कब झटके मारना शुरू होगी उससे पहले क्लच पकड़ लीजिए, आपको दिखाता हूँ, अब इसके क्लच पकड़ने का टाइम आ गया, अभी झटके मारेगी, अब आप देख सकते हैं बाइक धीरे धीरे, आई डोंट नो आपको वीडियो में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, बट ये देखिए बाइक झटके मार रही है, तो इस टाइम पर आपको क्लच पकड़ना है, थर्ड गियर, सेकेंड गियर और उसके बाद आप न्यूट्रल कर दीजिए, न्यूट्रल करने के बाद आप क्लच छोड़ सकते हैं, न्यूट्रल करने के बाद कुछ भी नहीं होता, एंड इट्स सब स्वच्छ भारत अभियान के लिए माफ़ी, न्यूट्रल करने के बाद आप क्लच छोड़ सकते हैं और आप उस टाइम ब्रेक मार दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ आंसर लाइक करें, और अगर आपने बाइक चलाना सीखना है या बाइक के और 2-4 रूल्स हैं वो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स अब जल्दी पहुँचाएँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जयराम जी।